सो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, ईच जीरो रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p / 2 वेयर p / 2 आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट डे पे किया था जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। तो मैंने क्या बताया था, जो नंबर भी हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर की संख्या जीरो रही तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे क्या है कुछ नहीं है तो वन, तो इसका आंसर आ जाता है, इसका आंसर आता है अपना जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर नीचे की संख्या जीरो रही तो फिर इसका आंसर ही नहीं निकलता, हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज नॉट डिफाइंड, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन सा है, कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हो और जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, हम लोग जनरली p / q बोलते हैं, तो जो इसमें डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो और ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अब अगर मान लो कभी इंटीजर नहीं रहा 4.5/3.62, तो इसको भी हम लोग रैशनल नंबर ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इसको इंटीजर बना सकते हैं। इसको अगर मुझे पॉइंट निकाल देना है तो मैं क्या करूँगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, एक संख्या थी, इसलिए नीचे हमने एक जीरो दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब नीचे का अगर मैं पॉइंट निकाल दूंगा तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 100 से, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद दो संख्या थी। तो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, और ऊपर का पॉइंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, ठीक है। तो ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था, इज जीरो अ रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है क्या, यस। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। उसका सवाल फिर उन्होंने आगे ये कंटिन्यू पूछा था, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वी कैन राइट जीरो एज जीरो बाय वन वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो। नीचे की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, तो नीचे की संख्या तो जीरो नहीं है हमारे, नीचे कुछ नहीं रहता तो वन रहता, क्लियर है पक्का। चलो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही मेथड से अपने को करना है। रैशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, कितने नंबर लिखना है, 6। किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब 3 और 4 के बीच में अगर मुझे 6 रैशनल नंबर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मैं लिख सकता हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। या तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.0125, ये रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में ही आता है। दूसरा लिख दिया 3.2525, खत्म नहीं हो रहा, रिपीट हो, ये भी रैशनल ही है ना, रैशनल नंबर जो खत्म नहीं होता रिपीट होते रहता है वो भी रैशनल नंबर रहता है। मैं लिख सकता हूँ 3.6666, ये भी रैशनल नंबर है। मैं लिख सकता हूँ 3.79, ये भी रैशनल नंबर है। 3.95, ये भी रैशनल नंबर है। जैसे ना कोई भी नंबर अपने मन से लिख सकता हूँ, अलग अलग मेथड से दूसरे भी मेथड बता दिया, ठीक। तो एक हो गया ये मेथड के, अपने को पूछा है तो हम लोग कोई भी नंबर बता दिया, वो एक आंसर आएगा। अब लेकिन अगर इसको दूसरे कोई मेथड से करना है, देखो सबका आंसर सेम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है तो मैं कुछ 5-6 रैशनल नंबर अलग लिखूंगा, ये अलग लिखेगा, वो अलग लिखेगा, सबके बराबर नहीं। तो हर बात पे अपने को किताब के पीछे का आंसर मैच करना जरूरी नहीं है, वो होगा ऐसा नहीं, ठीक है। अब जैसे हमको 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने, तो हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने इसको कर दिया 3/1, 4/1, p / q फॉर्म में हो गया। अब डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, दोनों का कितना है 1।
लेकिन तीन और चार के बीच में मुझे कोई इंटीजर तो नहीं मिलता, इंटीजर तो नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर को बड़ा कर देता हूँ, मेकिंग डिनोमिनेटर एज 20, 10, 20, 30, 40 सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 करना है मुझे और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 10 करना है, तो यहाँ 10 करने के लिए मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा तो नीचे करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ 10 करने के लिए इंटू 10 करूँगा नीचे करूँगा तो ऊपर भी करूँगा, तो ये मेरा नंबर बन गया 30/10, ये मेरा नंबर बन गया 40/10। अब इसके बीच में तो मैं बहुत सारी संख्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर तो सेम है 30 और 40 के बीच में, 31, 32, 33, तो therefore 6 rational numbers between 3 and 4 मैं अब लिख सकता हूँ 31/10, 32/10, 33/10, ऐसे मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ 39/10, उसमें से कोई भी 6 लिखना है मुझे डाउट, इसमें 10 के जगह जरूरी नहीं है 10 ही करना है, कोई ऐसे भी कर सकता है इसी क्वेश्चन को, इसलिए कर दिया 3/1, 4/1, किसी को लगेगा नहीं यार मैं काम करता हूँ डिनोमीटर में 20 करता हूँ, किसी को लगेगा डिनोमीटर में 40 करता हूँ, किसी को लगेगा 100 करता हूँ, तो सबका आंसर अलग अलग रहेगा लेकिन सबका ही बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर किसी ने सोचा कि मुझे डिनोमीटर में 20 करना है, सो मेकिंग डिनोमिनेटर 20, तो ये 3/1 है, ये 4/1 है, 20 करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा इंटू 20, तो ऊपर भी इंटू 20 करूँगा, यहाँ पे इंटू 20 करूँगा तो ऊपर भी इंटू 20 करूँगा, तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर कितना आया 60/20 और यहाँ पे कितना आया 80/20, अब इसके बीच में तो और ज़्यादा संख्या मिल गई मुझे, इसका मतलब उनको एक समझ में आई होगी चीज़ कि जैसे मैं डिनोमिनेटर बड़ा करते जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा संख्या मिलेगी, ठीक है, इस फॉर्म में फ्रैक्शन वाले फॉर्म, ठीक। सो देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, अब मैं लिख सकता हूँ 61/20, 62/20 से लेके आखिरी का, इसमें से कोई भी 6 डाउट है, ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक। तो डिनोमीटर में लेकिन मैंने जैसे बोला कोई 10 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 100 लेगा, कोई 1000 लेगा, सबका बराबर रहेगा, क्लियर। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में डिनोमीटर क्या था 1 था, यहाँ पे क्या है 5 है, बाकी करना वही है। सो बिटवीन 3/5, 4/5 पहले चेक कर लो अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि भैया इनके बीच के मुझे 5 रैशनल नंबर बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग तो डायरेक्टली लिखते कि भैया इनके बीच में तो मेरे को पहले से मिल रहा है 14/8, 15/8, 16/8, 17/8 और 18/8, मिल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन इनके बीच में कोई इंटीजर आता है क्या, नहीं आता है, तो हमको क्या करना चाहिए डिनोमिनेटर को बड़ा करना चाहिए। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 करूँ, ठीक है, मेकिंग डिनोमिनेटर 10, तो चेक करते हैं अपना जमेगा कि नहीं जमेगा, मेकिंग डिनोमिनेटर 10, सो 3/5, 4/5, अगर मैं 10 करने के लिए इंटू 2 करूँ, नीचे करूँगा तो ऊपर करना ही पड़ेगा, तो फिर मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6/10, यहाँ पे क्या आएगा 8/10, लेकिन मुझे तो अब इनके बीच में एक ही संख्या मिल रही है 7/10, फिर अपने को कितनी चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3/5, 4/5 है, अगर मैं मेकिंग डिनोमिनेटर 20 करता हूँ 10 के बाद, मान लो 15 भी कर सकता हूँ डिनोमिनेटर, है ना, आज के टाइम में 15 आता है तो 15 भी कर सकता हूँ, अगर 15 करूँगा तो क्या आएगा, नहीं तो मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 15 अगर आना है इंटू थ्री कितना है 9/15, 12/15, फिर से लेकिन कितनी संख्या आ रही है इनके बीच में, वही आ रही है 10/15, 11/15, लेकिन हमको तो 5 संख्या चाहिए, है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिनोमीटर ये बड़ा नंबर डिनोमीटर में करना चाहिए,
तो मैं काम करता हूं, मेकिंग डिनोमिनेटर फिफ्टी। अगर मैं 50 करूँ, 100 भी कर सकते हैं, पाई के टेबल में 100 भी आता है, 25 जा 100, 60 भी आता है, 12 5 जा 60, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को मैं 50 कर दूँ, यहाँ पे इनपुट कितना करना पड़ेगा 10, यहाँ पे भी करना पड़ेगा 10, तो ये क्या आई संख्या हमारी 40/50 और दूसरी 40/50। अब मिलते हैं इनके बीच में इंटीजर हमको, सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, सो 31/50, 32/50, आखिरी का मैं 39/50, इसके बीच में से कोई भी 5 हम लोग लिखिए। क्लियर है, आगे बढ़ते। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। मैडम इन मध्य मध्य अच्छा आवाज झोंकने लगे ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सो वो भी बताओ नेचुरल नंबर कौन से करे। सो नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, बराबर। उसके बाद तुम्हें बताओ होल नंबर कौन से। तो अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये पहला वाला तो लिखा हुआ है उसी का बता दो, इसका मतलब क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो बराबर है कि जो भी नेचुरल नंबर हमको दिख रहे हैं वो सारे होल नंबर के लिस्ट में भी आ रहे हैं क्या। नेचुरल नंबर के लिस्ट में 0 है। सवाल तो ये था कि जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब जो भी नेचुरल नंबर रहेगा वो होल नंबर रहेगा। तो ये नेचुरल नंबर की लिस्ट है अपनी, ये पूरी लिस्ट इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, दिस इज ट्रू। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखे दे रहा हूँ, देखो अगर ऐसा होता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो फिर बताओ फॉल्स, फॉल्स हो गया होगा। इसमें मतलब क्या दिया है कि जो भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है, अब होल नंबर के लिस्ट में 0 भी है, वो नेचुरल नंबर में कहाँ आता है, नहीं आता है, फिर हमने इसको बोला होगा नहीं समझ। दूसरे ऐसा मीनिंग था, ऐसा मीनिंग क्या है, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर रहेगा, ऐसा उस सेंटेंस का मतलब है। तो ये होल नंबर है 1, वो नेचुरल है क्या, है 2 3 4 5 सारे होल नंबर है वो नेचुरल है क्या, तो सबको ठीक लग रहा है। 0 होल नंबर है क्या, 0 होल नंबर नहीं है, है वो नेचुरल है क्या, तो फिर स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, फिर तो बोल रहे थे कि जो भी होल नंबर रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा, तो बराबर आ रहा है स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या बोला फॉल्स। इसका रीजन क्या लिखेंगे भैया, 0 इज अ होल नंबर, 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर कहाँ है। हमने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि जो भी होल नंबर रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा, सो 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो भी इंटीजर है वो होल नंबर है, तो इंटीजर कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। इंटीजर है 0 1 2 3 4 ये भी है, और -1 -2 -3 -4 ये भी है, दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। अब सवाल क्या है कि जो भी इंटीजर है वो होल नंबर है, सोरा बताओ।
है तो टोटल में डिवाइड करते नहीं, इसका मतलब समझ में आना चाहिए अपने को। एवरी रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर कहीं नहीं है, हम लोग सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला। एवरी इंटीजर जो भी इंटीजर है वो होल नंबर है, ऐसे इस सेंटेंस का मतलब हुआ ना। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? फॉल्स लग रहा है। क्यों फॉल्स लग रहा है? इसमें ऐसा कौन सा इंटीजर है जो होल नंबर नहीं है? जीरो। जीरो तो होल नंबर है। फिर ऐसा कौन सा इंटीजर है जो होल नंबर नहीं है? बोली ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये ऐसे इंटीजर है जो होल नंबर के लिस्ट में नहीं आते। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज निगेटिव नंबर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वगैरह वो सारे इंटीजर्स है, लेकिन वो होल नंबर कहाँ है? ठीक है, तो इसका रीजन लिखना है। जब ट्रू होगा तो रीजन की जरूरत नहीं, जब फॉल्स होगा तो रीजन लिखना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? फॉल्स एज माइनस वन माइनस टू एक्सेट्रा आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सोरा मैडम बताओ, पहले को मतलब बता दो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो आप बताओ आप लोग क्या लगता है, ये बराबर है कि नहीं? तो अभी सवाल था एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। राइट राइट, वेरी गुड, शाबाश। तो थर्ड वाला हम लोग लिखेंगे फॉल्स, लेकिन फिर रीजन देना पड़ेगा एक आधा एग्जांपल देके। बिल्कुल बोल सकते हो यही कि यार निगेटिव वाले जो नंबर है वो तो रैशनल है लेकिन वो होल नंबर का है, बराबर। या फिर आप एग्जांपल ऐसा भी बोल सकते हो, माइक 1.5, 1.5 इज अ रैशनल नंबर ना, क्योंकि उसको मैं पी बाय क्यू में लिख सकता हूँ। कैसे लिखा होता 1.5 को? आ गया पी बाय क्यू, सिंपलेस्ट करता तो 5 3 5 2 सा लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर कौन सा होता है जो खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग, या तो अगर खत्म नहीं हो रहा है तो रिपीट होते रहता है, वो भी रैशनल। तो 1.5 इज अ रैशनल नंबर, बट वो होल नंबर है क्या 1.5? नहीं, इसलिए इनका स्टेटमेंट फॉल्स। सो हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स एज माइनस वन माइनस टू डॉट 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 और 1.5 एक्सेट्रा आर आर रैशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर्स। रैशनल तो है लेकिन होल नंबर नहीं। डाउट है, लिख लो।